ओम शांति। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो। माना मुरली पढ़ने का, मुरली सुनने का, मुरली का चिंतन करने का ये भी शौक होना चाहिए। जिसका ऐसा भी शौक होता है ना, उसकी भी यादगी यात्रा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको पॉइंट याद रहते हैं और ये कौन समझा रहा है उसको ये याद रहता है, तो उसका भी योग लगा देता है। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। माना कि मुरली रिपीट में सुन रहे हो पर पॉइंट्स तो याद नहीं रहते ना, रोज नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सुनने को मिलता है। मनन चिंतन करो, मंथन करो, क्योंकि हम मुरली पढ़ रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, समय भी बदल रहा है, तो वो वाले पॉइंट अभी हमको स्ट्राइक होंगे जैसा समय होगा। बाबा ने तो पहले से ही बताए हुए हैं, ये मुरली उस समय चली है साकार बाबा ने सुनाई है, साकार में जब बाप दादा उस समय चली है, लेकिन समय जब हमें आ जा रही है तो हो गए ना नए नए पॉइंट्स हमारे लिए, सब कुछ नया नया हो गया। ये कहते हैं ना, हमने तो पढ़ी हुई है, कैसे याद तो रह नहीं सकती ना। हर रोज तो आपकी परिस्थितियां, स्थितियां, समय, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब बदलता रहता है, तो मुरली को सुनने का तरीका भी बदल जाता है। अभी के समय पर मान में बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए तुमको। अब सोचो, जैसे आज का समय है, जैसे लॉकडाउन, आपने तो अपने जीवन में नहीं देखा होगा, हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा होगा, ये समय नहीं देखा होगा कि ऐसे भी कभी होता है लॉकडाउन हो जाता है, कि ऐसा भी कभी होता है। आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, तो सब नया है ना। अब ऐसे समय पर बाबा ने उस समय भी समझाया हुआ है करना क्या है, अपनी चेकिंग, अपनी अवस्था बनाओ, अपनी याद की यात्रा देखो, अपनी चलन को देखो। समय परिस्थितियां तो ऊपर नीचे उछलती रहेंगी, अपना पोता में रखो। अच्छा, ओम शांति।